हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सोमवार से आरंभ हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर आयोजित होगी। अलग अलग दलों के कई नेता और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में वेंकैया नायडू सभी दलों के सदन और सुचारू रूप से चलाने में मदद की अपील कर सकते हैं। राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। श्रावण मास में राज्य के अंदर और बाहर से कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से शुक्रवार शाम जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ जमा होने की संभावना रहती है। कोरोना महामारी को देखते कांवड़ यात्राओं के साथ ही सभी तरह की धार्मिक यात्राओं पर भी रोक रहेगी। जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को जारी कर दिया है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है। राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है। माना जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बैठक से पहले उन्हें पत्र भेजा। सोनिया को कैप्टन के ओएसडी द्वारा दिए गए पत्र से पूरे मामले में सस्पेंस गहरा गया है। अब पता चला है कि इस पत्र में कैप्टन ने सोनिया को बड़ी चेतावनी दी है और उनको सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर आगाह किया है। भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों की राह पर एक और कदम बढ़ाया गया है। ये कदम है मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों यानी MRH का भारतीय नौसेना को मिलेगा। सैन डिएगो नॉर्थर आइसलैंड स्थित एयर स्टेशन में शुक्रवार को आयोजित एक समारोह के दौरान अमेरिका की नौसेना ने आधिकारिक तौर पर भारत की नौसेना को 2 MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे। कोविड संक्रमण काल में भी हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थापक यानी ADRDI के वैज्ञानिक ने मिसाल कायम की है। देश के लिए कुछ करने के जज्बे ने जैसी जरूरत उतनी क्षमता का हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। ये सिस्टम मालवाहक विमान C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर के लिए है। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। 20 टन वजनी सामान को चीन हो या फिर पाकिस्तान की सीमा पर किसी भी दुर्गम क्षेत्र में आसानी से जमीन पर उतारा जा सकता है। इससे युद्ध के दौरान जवानों को सरद और हथियार पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस साल के अंत तक मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में इस सिस्टम के फाइनल ट्रायल होंगे। देश में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 38,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,079 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 4,24,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की वजह से उत्तरी क्षेत्र के साथ देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश होगी। 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की ताज़ा चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम से तेज आंधी आ सकती है। शनिवार को पेट्रोल के रेट में 30 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हालांकि डीजल की कीमत 79.87 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रही। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय बाकी है और इस पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। ओलंपिक विलेज ने शनिवार को कोरोना के पहले मामले की पुष्टि हुई है। आयोजकों ने इसकी जानकारी दी है। टोक्यो 2020 के CEO तिशोरो मोटो ने ओलंपिक गांव में कोरोना के मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि खेलों के आयोजन में शामिल विदेश से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए व्यक्ति को लेकर
कोई खुलासा नहीं किया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।